दोस्तों हमारे कोड IS 456 में बहुत से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और हाँ यह भी सच है कि IS कोड 456 2000 के हर एक फॉर्मूले को याद करना और याद रखना बहुत मुश्किल है। तो IS कोड 456 2000 से मैंने कुछ फॉर्मूले पिक किए हैं जो आपको साइट पर काम करते हुए जरूर पता होने चाहिए, और मैं आपको ये एडवाइस भी दूंगा कि एक बार आप पूरे एंटायर कोड को जरूर पढ़ें और इन एरियाज पर फोकस करें। तो हेलो एंड वेलकम गाइस ऑन योर चैनल विद अ न्यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर। माय नेम इज विशाल गोयल एंड यू आर वाचिंग माय इंजीनियर सपोर्ट यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जब आप साइट पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो कवर प्रोवाइड करना एक मेन कंसर्न रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए आपका नॉमिनल कवर कभी भी कम नहीं होना चाहिए। किससे? 20 mm फॉर माइल्ड एक्सपोजर, 30 mm फॉर मॉडरेट एक्सपोजर, 45 mm फॉर स्वियर एक्सपोजर, 50 mm फॉर वेरी स्वियर एक्सपोजर और 75 mm फॉर एक्सट्रीम एक्सपोजर। ओके फ्रेंड्स, और डिटेल में जानने के लिए आप IS कोड 456 2000 की टेबल नंबर 16 को फॉलो करें। नंबर टू, IS कोड 456 कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल के बारे में कि कोर्स एग्रीगेट का नॉमिनल मैक्सिमम साइज कभी भी मेंबर की थिकनेस के 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप IS 456 2000 के 5.3.3 क्लोज को रेफर करें। नंबर थ्री, स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए IS 456 2000 के 5.6.3 के क्लोज को रेफर करें। नंबर फोर, कॉन्क्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 √FCK होती है, जिसमें FCK है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप IS 456 2000 के 6.2.1 के क्लोज को रेफर करें। नंबर फाइव, जब तक के ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन ना हो तब तक आप प्लेन कंक्रीट और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट जो सैंड ग्रेवल और क्रश नेचुरल स्टोन एग्रीगेट से बनी हो उसके लिए आप 24 kN/m³ और 25 kN/m³ यूनिट वेट कंसीडर करें। ज्यादा जानकारी के लिए IS 456 2000 क्लोज नंबर 19.2 को रेफर करें। नंबर सिक्स, बीम में स्पैन टू डेप्थ रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल के लिए आप IS 456 2000 के क्लोज नंबर 23.2.1 को रेफर कर सकते हैं, और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन और लिमिट स्ट्रेस डिजाइन के बेसिक को जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर माई सजेशन एक बार इनके क्लोज को जरूर पढ़े। यह वीडियो आपकी जस्ट एक गुड टू नो नॉलेज के लिए ही थी कि कम से कम आपको यह तो पता चले कि यह सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ। तो उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।